देखा हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नताशा ट्रैवल ब्लॉग। तो दोस्तों, हमारा जो जम्मू का ट्रिप है वो कंटिन्यू है और जो हमारा पिछला ब्लॉग आया था दोस्तों वो शिव खोड़ी का ब्लॉग था जो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। और आज दोस्तों हम निकल पड़े हैं बर्फ़ की वादियों में, क्योंकि अगर आप जम्मू आए हैं और जम्मू आकर आपने बर्फ़ नहीं देखा तो आपका जम्मू का जो ट्रिप है वो अधूरा रह जाएगा। इसीलिए आज हम लोग बर्फ़ की वादियों की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। तो हमारी जो आज का डेस्टिनेशन है वो गुल डंडा है, जिसे गुल्ली डंडा भी बोलते हैं, जो जम्मू के भदरवा डिस्ट्रिक्ट के पास है। और कटरा से उसकी जो दूरी है दोस्तों अप्रॉक्स 200 किलोमीटर है, क्योंकि अभी हमने जो पता किया है कि जम्मू में बर्फ़बारी कहाँ हुई है तो ये गुल डंडा में बर्फ़बारी हुई है दोस्तों। और भदरवा को हम मिनी कश्मीर भी बोलते हैं, क्योंकि लोग कश्मीर जाते हैं ताकि वो बर्फ़ देख सकें। तो जहाँ हम जा रहे हैं दोस्तों उसे मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि हम जिस रास्ते से जा रहे हैं दोस्तों वो पूरा का पूरा हिली एरिया है और हम एक बार पहाड़ के ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे, तो जो रास्ते का जो व्यू है दोस्तों वो बहुत ही अच्छा व्यू होगा। और मैं आपको रास्ते का जो वीडियो है वो भी दिखाते जाऊँगा, क्योंकि एक्चुअली दोस्तों हम बर्फ़ में जाके तो इन्जॉय करेंगे ही, लेकिन जो रास्ता वहाँ तक पहुँचने का है वो वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। इसीलिए जम्मू को दोस्तों एक खूबसूरत जगह बोला जाता है और लोग जम्मू की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो प्राकृतिक की जो असली सुंदरता है दोस्तों वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली सारी मज़ेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों। तो हमने जो 30 से 40 किलोमीटर का जो रास्ता है वो तय कर लिया है और हम एक हाईवे के साइड में ही उतर गए हैं, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो अभी यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है दोस्तों, यहाँ चल के हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे, क्योंकि जो दूरी है दोस्तों वो 200 किलोमीटर की है और उसे तय करने में हमें 5 से 6 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि ये हिली एरिया है। तो यहाँ पे जो गाड़ी की जो दोस्तों कार की जो स्पीड होगी वो एक लिमिट में स्पीड होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ब्लाइंड टर्निंग्स हैं। तो आपको जैसा कि दिख रहा है कि हमने अपने लिए कार हायर कर लिया और वहाँ तक हम जा रहे हैं। और अभी दोस्तों कुछ दूर एक हाईवे चलेगा, नेशनल हाईवे, उसके बाद हम बिल्कुल हिली एरिया में आ जाएंगे और जो रास्ता होगा दोस्तों वो काफ़ी टर्निंग वाला रास्ता होगा। तो आपको दिख रहा है दोस्तों कि बिल्कुल पहाड़ी को काट कर ये रोड बनाया हुआ है। तो अभी तो ये जो सीन दिख रहा है दोस्तों कुछ नहीं है, जैसे जैसे हम भदरवा के नज़दीक आएंगे जो व्यू होगा वो बहुत ज़्यादा औसम व्यू होगा। हमारी जो कार है वो अभी फुल स्पीड में चल रही है, क्योंकि हम अभी नेशनल हाईवे पे हैं। और दोस्तों जो लेफ़्ट साइड में आपको दिख रहा है ये जो पहाड़ को काटा हुआ है वो आपको पत्थर दिख रहा है और राइट साइड में बिल्कुल खाई है। तो एक साइड में दोस्तों पहाड़ है और दूसरी साइड में खाई, और आपको सामने का जो नज़ारा दिख रहा है कि सामने बिल्कुल पहाड़ ही पहाड़ है और उस पर जो हरियाली है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। तो दोनों साइड का व्यू दोस्तों आपको देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। तो ये जो सुंदरता है, यही सुंदरता देखने हम जम्मू आते दोस्तों। तो सामने जो आपको ये रोड टनल दिख रहा है इसके अंदर से हम जाएंगे। इस टनल का नाम है चेनानी नासरी सुरंग, जिसे पत्नीटॉप सुरंग से भी नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों नेशनल हाईवे 44 पे बना हुआ है और इस टनल को की जो बनाने की शुरुआत की गई थी वो 23 मई 2011 को की गई थी और इसका उद्घाटन 2 अप्रैल 2017 को किया गया था। यह भारत का दूसरा सबसे लंबा सड़क सुरंग है दोस्तों, और जो पहला सबसे लंबा जो है वो अटल सुरंग है जो हिमाचल प्रदेश में है। और ये जो सुरंग है दोस्तों चेनानी नासरी सुरंग, इसकी लंबाई 9.28 किलोमीटर है और इस सुरंग को बनाने में जो लागत आई थी 3,720 करोड़ रुपए की थी। और अगर इसकी चौड़ाई की बात करेंगे दोस्तों तो इसकी चौड़ाई 13 मीटर है और जब हम इसके एंटर करते हैं और बाहर निकलते हैं तो उस वक्त इसकी जो चौड़ाई है वो 6 मीटर की होती है। दोस्तों इस सुरंग से जम्मू और कश्मीर की जो दूरी है उसमें 30 किलोमीटर की कमी आई है और जो टूरिस्ट हैं जो जम्मू से कश्मीर की तरफ जाते हैं और इस टनल का यूज करते हैं तो उनके 2 घंटे बच जाते हैं, 2 घंटे कम समय उनको लगता है जम्मू से कश्मीर की तरफ जाने में। और इस सुरंग का जो नाम है दोस्तों वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया था। तो दोस्तों ये जो टनल है ये पूरी तरह से मतलब आप बोल सकते हैं इस टनल में सब कुछ है, फायर फाइटिंग के लिए अंदर सुविधा है, पीने के लिए पानी है, टॉयलेट्स है, टेलीफोन है, मतलब सब कुछ आपको इस टनल में मिल जाएगा। और ऑक्सीजन की सप्लाई भी जगह जगह पर दी गई है क्योंकि इस टनल की जो लंबाई है वो काफ़ी ज़्यादा है और आपने टनल जो देखा आपको देख के लग रहा होगा ये बिल्कुल टनल का जो रोड टनल है उसका एडवांस वर्जन है। दोस्तों जो सामने आपको पेड़ दिख रहा है उसको एबीस पिंड्रो बोलते हैं। जो ये पेड़ होते हैं दोस्तों जो बर्फीले इलाके हैं वहाँ पे पाए जाते हैं या जहाँ ज़्यादा ठंडी है। तो हम लोग जो गुल डंडा जा रहे हैं उससे अब ज़्यादा दूरी पे नहीं है क्योंकि हम उस एरिया से नज़दीक आ गए हैं, इसीलिए ये जो पेड़ हैं वो दिख रहे हैं। इनका जो कॉमन नेम है दोस्तों वो रागा या बाडर भी लोग इस पेड़ को बोलते हैं। और दोस्तों ये जो स्ट्रेट पेड़ जो आपको दिख रहे हैं लंबे लंबे ये हिमाचल में पाए जाते हैं, कश्मीर में पाए जाते हैं और जम्मू में जहाँ पे जो ठंडी है वो बहुत ज़्यादा है, जो 0 डिग्री या 1 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है। तो दिख रहा है दोस्तों कि दोनों साइड जो है वो रागा के पेड़ हैं स्ट्रेट स्ट्रेट जो हम नॉर्मली फिल्मों वगैरह में देखते हैं। तो जो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो रास्ते का व्यू है दोस्तों वो बहुत ही अच्छा व्यू है और आप वहाँ जाकर बर्फ़ में तो एंजॉय करेंगे ही करेंगे लेकिन जो रास्ते का व्यू है दोस्तों वो भी आपको एकदम बिल्कुल यादगार रहेगा। दोस्तों तो यहाँ से जो हमारी डेस्टिनेशन की जो दूरी है वो 20 से 30 किलोमीटर रह गई है और अभी हम लोग बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। जैसा कि आपको रास्ते से देखने से पता चल रहा है अभी जो भी रोड जो है दोस्तों वो बिल्कुल स्लोप है जो ऊपर की तरफ जाते जा रही, क्योंकि जो ठंडी और बर्फ़ है वो बिल्कुल इसके टॉप जो जगह है वहाँ पर पड़ी है। तो हम लोग अभी बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ये जो रास्ता है जैसा मैंने आपको बताया था कि अब बिल्कुल ब्लाइंड टर्निंग के साथ रास्ता शुरू हो जाएगा, बिल्कुल मतलब कि संकरा रास्ता है दोस्तों। और एक साइड आपको दिख रहा है कि बिल्कुल खाई है और खाई तो है ही दोस्तों लेकिन जो व्यू है वो बहुत ही अच्छा व्यू है जैसा कि आपको दिख रहा है। दोस्तों तो अभी हम लोग काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं और मैंने आपको बताया था कि ये जो पेड़ है इसको एबीस पिंड्रो बोलते हैं। तो अभी हमारे दोनों तरफ जो है दोस्तों वही पेड़ दिख रहा है और काफ़ी जो पेड़ है जो लेफ़्ट साइड में आपको दिख रहा है कि हम मतलब ऊंचाई पे हैं तो बिल्कुल मतलब आपको खाई टाइप का दिख रहा है। और ये जो रोड है दोस्तों वो मतलब 2 वे रोड है, एक बार में एक गाड़ी जा सकती है और आ सकती है, इसलिए जो हमारी कार की जो स्पीड है वो एक्चुअली स्लो हो गई है। और जो हमारा डेस्टिनेशन है वो यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर रह गया है और थोड़ी ही दूर में दोस्तों हमें बर्फ़ दिखना भी शुरू हो जाएगा। दोस्तों तो आखिरकार हम वहाँ पर अब पहुँचने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम स्पेशली जो बर्फ़ जहाँ पे गिरी है वहाँ पर जाने वाले हैं। तो अभी रोड के साइड साइड में आपको जो बर्फ़ के ट्रेसेस हैं वो देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर धूप भी है और साथ में आपको बर्फ़ भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है दोस्तों वो 0 डिग्री से -2 डिग्री के बीच में है और अभी तो हमें थोड़ा सा बर्फ़ देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी दोस्तों वैसे वैसे बर्फ़ की एक चादर देखने को मिलेगी। जैसा कि राइट साइड में दिख रहा है कि बर्फ़ और पहाड़ दोनों दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम 1 से 2 किलोमीटर आगे जाएंगे हमें ये ओनली एक बर्फ़ की चादर देखने के लिए मिलेगी, जो वाकई में जम्मू की सुंदरता है। और जो टूरिस्ट आते हैं दोस्तों वो वैष्णो माता के दर्शन के लिए तो आते ही हैं और साथ में इस बर्फ़ का आनंद लेने भी आते हैं। फ्रेंड्स तो फाइनली हम पहुंच गए हैं गुल डंडा में। तो अब बस हम एक जगह देखेंगे जहां पे रुकेंगे, क्योंकि आगे थोड़ी ही दूर पे आपको बहुत सारे ट्रैवलर भी दिखेंगे, क्योंकि लोगों का एक स्पॉट है वहां पर रुक के लोग एंजॉय करते हैं। तो अब यहां से दोस्तों जो गुल डंडा जगह है वो शुरू होता है, क्योंकि अभी आपको ट्रैवलर आते जाते दिख रहे होंगे। तो जो भी टूरिस्ट हैं दोस्तों वो इस समय यहीं पर आए हैं, क्योंकि अभी जो पत्नीटॉप है और नाथा टॉप है वहाँ पे बर्फ़बारी नहीं हुई है। तो गुल डंडा कटरा से सबसे नज़दीकी जगह है जहाँ पे बर्फ़बारी हुई, तो सारे जो टूरिस्ट है वो यहीं पर आए हुए हैं। तो हमें जो टूरिस्ट की भीड़ है दोस्तों वो थोड़ी ही देर में दिखने वाली है। दोस्तों तो फाइनली हम गुल डंडा पहुँच गए हैं और आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर पहुँचते ही आपको जो भी टूरिस्ट हैं वो दिखने लगेंगे। तो यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो एक लाइन से लगी हुई हैं और लोगों की काफ़ी भीड़ है, क्योंकि दोस्तों अगर आप जम्मू विज़िट करने आए हैं तो यहाँ पर इस बार जो बर्फ़बारी हुई है वो गुल डंडा में ही सबसे नज़दीक हुई है। और अद्विक यहाँ पर दिख रहा है कि फुल्ली पैक्ड है और ग्लव्स जैकेट पहन के वो रेडी है, क्योंकि इसे जो स्नो है उसमें खेलना था। तो चलिए हम लोग बर्फ़ की वादियों में आ चुके हैं। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है वेलकम यू टू सौर चक्र आरसीसी और हम लोग दोस्तों 9,555 फीट की ऊंचाई पे हैं और ये काफ़ी ऊंची जगह पे हम लोग आ गए हैं। और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है कि जो पूरा का पूरा पहाड़ है वो सफ़ेद बर्फ़ से ढका हुआ है और लोग काफ़ी ऊपर तक पहुंचे हुए हैं दोस्तों। तो हम भी थोड़ी देर में ऊपर की तरफ चलेंगे और यहाँ पर आपको खाने पीने की सारी जो सुविधा है वो अवेलेबल है। और स्पेशली दोस्तों यहाँ पर आपको जो मैगी है वो मतलब आप पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो मैगी तो आपको हर जगह खाने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको जो सामने का नज़ारा है दोस्तों जो खूबसूरत नज़ारा आपको दिख ही रहा है कि वाकई में जो बर्फ़ है वो इतना देखने में सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर जो संजीत भैया है वो नताशा को लेके एग्जैक्ट पोजीशन पे वहाँ पर जा रहे हैं जहाँ पे हम फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अगर आप ऊपर जाएंगे तो थोड़ा सा स्लोपी भी है, तो आपको संभल के ऊपर जाना होगा। तो हम एक सही पर्टिकुलर जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर अच्छी फ़ोटोग्राफी हो सके और हमारी जो फैमिली है वो आगे ही है और फ़ोटोग्राफी वगैरह चल रहा है। तो यहाँ पर जो दोस्तों रोड के साइड में जो स्नो है एक्चुअली वो ठोस बर्फ़ है, तो वहाँ पे थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोग फिसल के गिर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों जब भी आप आएँ स्पोर्ट्स शूज़ पहने, और अगर आप स्पोर्ट्स शूज़ आपने नहीं वेयर किया है तो यहाँ पर रबड़ के जो बूट्स हैं आपको रेंट पर अवेलेबल हो जाएंगे, आप वो लेकर स्नो के ऊपर ईजिली जा सकते हैं। यहाँ पर सभी लोग जो हैं पूरे बर्फ़ का मज़ा ले रहे हैं और एक दूसरे के साथ बर्फ़ उनके ऊपर फेंक के खेल रहे हैं। तो जम्मू हम आए थे दोस्तों और हमारा जो बर्फ़ देखने का जो था कि हम बर्फ़ देखेंगे वो हम आ चुके हैं और हमारी जो फैमिली वो फुल इंजॉय कर रही है। अद्विक ने स्नो में खेलने के लिए जो रेड कलर का बकेट आपको दोस्तों नीचे दिख रहा है वो लेकर आया था कि वो स्नो में खेलेगा स्पेशली, और उसे काफ़ी मज़ा आ रहा है क्योंकि वो मतलब कि जब जम्मू ट्रिप से पहले उसने बोला था कि जब भी हम जाएंगे हम बर्फ़ में खेलेंगे, और यहाँ पर आके उसे काफ़ी खुशी हो रही है। सभी लोगों ने यहाँ बर्फ़ के साथ जो एंजॉय करना था फुल्ली कर लिया है। और दोस्तों यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है कि विदाउट ग्लव्स आप बिल्कुल यहाँ पर, तो आपको अगर स्नो के साथ खेलना है तो ग्लव्स पहन कर ही आप खेल सकते हैं। और यहाँ पर लोग स्नोफॉल में आराम से मस्ती करने के बाद आग ताप रहे हैं, तो यहाँ पर बीच में ये जो भाई साहब हैं उन्होंने आग दिया है और सब आपको हेलो भी एक साथ बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आग की भी व्यवस्था की गई है। तो अद्विक को कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है तो वो वहाँ पर आग का मज़ा ले रहा है। और ऊपर देखिए दोस्तों कि वहाँ पर काफ़ी ऊंचाई पर लोग पहुँचे हुए हैं, तो आप अगर इस जगह पे आएँ तो थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा क्योंकि अगर आप ज़्यादा ऊपर तक जा रहे हैं तो यहाँ पे फिसलन कुछ ज़्यादा ही है, तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों तो आज हम गुल डंडा आए थे और जो हमें बर्फ़ देखना था वो हम यहाँ पर देख चुके हैं, और हमने कोशिश की कि गुल डंडा के बारे में आपको भी पूरी जानकारी दे सकें और इसकी जो दूरी है कटरा से कितनी है, हम गुल डंडा कैसे आ सकते हैं, और इससे जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी थी दोस्तों मैंने कोशिश की कि आपको दिया जाए। तो आज का जो हमारा ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली सारी मज़ेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अपने जम्मू ट्रिप के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।